Hello, namaste, good evening. What's going on, YouTube people? अभी इंट्रो दिखाते हैं, उसके बाद बाकी चीज दिखाऊंगा. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. अगर आप पग डॉग ब्रीड रखना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, आखिरी तक देखिएगा जरूर. ये पगली पग ब्रीड फीमेल और बहुत एक्टिव, बहुत प्लेफुल, गुड फैमिली डॉग. छोटी है, प्ले वाइट मार रही है, कुछ दर्द नहीं होता, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, फुल प्लेफुल, फुल एक्टिव. ये चाइना का ब्रीड है, चाइनीज माल. चाइना से यूरोप 16th सेंचुरी में आया था, उसके बाद से पग ब्रीडिंग और पग बहुत फेमस हो गया. दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रीड डॉग्स में पग भी एक है. बहुत सारे ब्रीड्स तो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में हुआ है, ब्रीडिंग करके जेनेटिक चेंजेस करके बनाए हैं, लेकिन ये 16th सेंचुरी से ब्रीड हो रहा है. और चाइना में एरिस्टोक्रेट पीपल, एरिस्टोक्रेसी शो करने के लिए इसको रखते थे. रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट पीपल शो करने के लिए रखते थे. और यूरोप जाने के बाद से ऑल ओवर वर्ल्ड ये फेमस हुआ, उसके बाद से ब्रीड धीरे धीरे सब रखना शुरू किए, सब खेलना शुरू किए, एंजॉय करना शुरू किए. सो इसके बारे में डिटेल कुछ कुछ चीज मैं बता रहा हूँ, देखते रहिए. अबे गिर जाओगे यार, कहीं नहीं खेलने का बोल, अबे रुको. सो पग का कुछ और भी नाम सब है, जैसे लैटिचर पगनस, चाइनीज डॉग भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, डच बुलडॉग भी बोलते हैं, मिनी मास्टिफ भी बोलते हैं. इसका चार अलग अलग नाम है पग के अलावा. और ये बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरेटिवली, इनका बॉडी से इनका हेड साइज बड़ा रहता है. और जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा. पेट रिलेटेड वीडियोस, डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्स, पेट इंफॉर्मेटिव, सो कीप ऑन वॉचिंग. बॉडी से हेड साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है और फेस में रिंकल्स रहता है. डेली सुबह उठने के बाद टर्की से मुंह फेस पूरा अच्छा से साफ करना पड़ता है. अबे यार काट रहे हो बहुत, इधर घूमो. रिंकल्स भी रहता है फेस में. और इन लोगों का हाइट 25 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर तक हाइट होता है इन लोगों का. और इनका वेट 6.5 केजी टू अप टू 12 केजी तक भी जाता है वेट. टेल कर्ली रहता है, फ्रंट साइड को ऐसे घूम जाएगा, पीछे नहीं, डाउन नहीं रहता, ऐसे घूम जाता है. और ये ब्रीड बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो फैमिली में स्ट्रेंजर्स गेस्ट सबके साथ मस्त बिंदास रहेंगे. बच्चों के साथ भी आप आराम से छोड़ के कहीं टेंशन फ्री होके जा सकते हैं. बहुत प्लेफुल, बहुत एक्टिव, छोड़ देने से पूरा राउंड अप इधर उधर घूमते रहते हैं. अभी बाइट मारने का कोशिश कर रही है, ऐसे हाथ दे देने से काट नहीं पा रही. तो फ्रंट साइड से दिखाता हूँ, बच्चों के साथ भी आराम से रहेंगे. बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेंडली, मस्त खेलते हैं, मस्त रहते हैं. इन लोगों को, पग लोगों को एवरीडे एक्सरसाइज हाफ एन आवर दौड़ाना चाहिए. खेलेंगे एटलीस्ट दिन भर में हाफ एन आवर दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा फैट नहीं होगा,
स्किन एलर्जी उतना नहीं होगा, सब सुंदर मस्त फिट एंड फाइन लाइफ टाइम। एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, घर में छोड़ देते हैं, पड़े रहते हैं, टेंशन हो जाता है, उन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, तबीयत खराब होता है। तो लोग उधर देखेंगे खाली बैक साइड दिखा के बैठे हो यार। हाँ तो फेस देखेंगे। इनको ग्रूमिंग का भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, दिन में एवरी 2 डेज में एक बार पाउडर डस्टिंग करोगे, ब्रशिंग करोगे, छोड़ दोगे। बाहर में वॉक वॉक करवा के आए तो पाँव में सब फ्रेश कोट स्प्रे मार के, कुछ भी इजी बात जो होता है, ड्राई बात होता है, स्प्रे मार के पोंछ दोगे। थोड़ा एक बार दिन में ग्रूमिंग, रिंकल्स फेस साफ करना पड़ता है, खाना वाना खिलाने के बाद फेस थोड़ा साफ करना पड़ता है। इनको ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्मी, दोनों से एलर्जी, दोनों से प्रॉब्लम। एवरेज में रहेंगे तो बढ़िया, ज़्यादा ठंडा होगा तो सर्दी बुखार बहुत प्रॉब्लम होता है, गर्मी होता है तो इनको सांस लेने का प्रॉब्लम, सनस्ट्रोक ये सब का भी चांसेस है, हार्ट प्रॉब्लम भी होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होता है। और पग्स का कॉमन डिजीज एक तो है, किसी किसी पग का आ जाता है, नियर अबाउट 40% पग्स का आ जाता है, 30% केयर नहीं लेने से आई प्रॉब्लम होता है। तो इनका थोड़ा वो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, केयर लेना पड़ेगा आई प्रॉब्लम। रुको यार, गिर जाओ, आई प्रॉब्लम से बच के बचा के। और इनका ओनर के साथ बहुत बढ़िया बॉन्डिंग होता है, ओनर के साथ घूमते भी रहते हैं, ओनर को बहुत प्यार करते हैं, ये बच्ची है बोल के ऐसे बाइट कर रही है, वरना बहुत प्यार करेगी अपने आप। और कहीं घूमने जाओगे, इनको ले जाओगे तो बहुत खुश हो जाते हैं, पसंद करते हैं घूमना भी ओनर के साथ। लेकिन थोड़ा केयर लोगे, इधर उधर वायरस इफेक्टेड जगह में नहीं छोड़ना है, थोड़ा क्लीन रखना है बस। और इनका 4 डिफरेंट कलर के आते हैं, एक आता है फॉन कलर, दिस वन, एक तो आता है एप्रिकॉट फोन, और एक तो आता है सिल्वर फोन, और एक तो ब्लैक, चारों कलर का आते हैं। इनका लाइफ स्पैन है 8 years to 12 years, अच्छा केयर लोगे तो 15 तक भी चले जाता है कोई कोई पग, अच्छा केयर लेने से बूढ़ा हो गया होगा लेकिन जी रहा होगा, ओनर के साथ होगा। और गुड फैमिली डॉग, गुड फैमिली फ्रेंडली डॉग, ज़्यादा टेंशन नहीं है, थोड़ा केयर लोगे, थोड़ा प्यार करोगे, मस्त रहेंगे, ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए इनको, अपार्टमेंट वाले भी रख सकते हैं, जो आलसी आदमी हैं उन लोग भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले जो जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा। पेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, पेट रिलेटेड वीडियोस, डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्स सब कुछ दिखाता हूँ, और कोई पैसा नहीं कटेगा, कोई टेंशन नहीं, मेरा गारंटी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और किसी को कोई क्वेरी होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मैसेज कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा मेरा नंबर। और इंस्टा में भी जो जो इंस्टा यूजर हैं, इंस्टा में भी फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए, अविनाश ए डॉग लवर इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, देखिए। सो कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट।